तो चलिए जानते हैं आज बबलू डब्लू पार्क में क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग लल्लू। गुड मॉर्निंग राजकुमार लल्लू। लल्लू किस बात की जल्दी है? मैं कुछ बेरीज लाया हूँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, तुम खा कर देखो। लल्लू कैसे हो तुम? तुम अच्छे लग रहे हो। ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए केला लेकर आया हूँ। तुम्हें नहीं चाहिए? राजकुमार लल्लू को क्या हो गया? दान का बंदर हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। गलत है, इसमें से तो रेलगाड़ी भी चली जाएगी। कभी वापस ला सकता हो जाएगा। मेरी दादी माँ कहती थी, जब भी तुम्हारा दांत टूटे उसे पेड़ के नीचे रख दो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। हो सकता है मैं कुछ मांगू तो मेरा दांत जल्दी वापस आ जाए। ओ मेरे प्यारे प्यारे दांत, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ ना। हाँ, देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। दांत तो उगा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया? ओ तो ये बात है, वापस आने तक चुप रहूंगा। क्या किसी ने ध्यान दिया? लल्लू का बर्ताव कितना अजीब है। वो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। हाँ सही कहा, हो सकता है। हाँ मुझे पता है, उसने मुझसे स्पिनिंग टॉप मांगा था पर मैंने उसे नहीं दिया। हो सकता है वो इसे देख के खुश हो जाए। राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, ये देखो, लो, तुम्हें स्पिनिंग टॉप चाहिए था ना, ये लो। अरे वाह। मुझे लगता है कुछ और बात है। मैं समझ गया, शायद मजेदार कहानियां उसे हंसा दे। अच्छा आइडिया है, मुझे मजेदार कहानियां पसंद है। पता नहीं मेरा दांत कब वापस आएगा। लल्लू, 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 हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। लल्लू क्या तुम्हें मजेदार कहानियां सुननी है? मुझे लगता है तुम्हें अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, एक छोटी सी चींटी थी, एक दिन वो रास्ते में एक बड़े से भालू से मिली। रुक जाओ। तो क्या हुआ कि चींटी मैदान में अपना एक पैर उठाकर खड़ी हो गई। उसका मकौड़ा दोस्त देख रहा था तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तुमने अपनी एक टांग ऐसे क्यों उठा रखी है? और तुम्हें पता है उस चींटी ने क्या जवाब दिया? हाँ।
तो चींटी ने कहा, चुप रहो, मैं इस टांग से भालू को अड़ंगी दूंगी। राजकुमार हंसने लगा, राजकुमार हंसने लगा। लल्लू, तुम अपना मुंह क्यों ढक रहे हो? राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, तुम्हारे मुंह में कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों हंस रहे हो? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसका बर्ताव बहुत अजीब है। बड़े तमीज से, मुझे फिक्र नहीं, मुझे भूख लगी है। लल्लू, तुमने अपने खाने के इतने टुकड़े क्यों कर दिए? देखो राजकुमार लल्लू कैसे खा रहा है, बहुत मजेदार है। बिल्कुल नहीं लल्लू, मुझे एक समझदार आदमी लगता है। सही में? हाँ, राजकुमार लल्लू ही सही राजकुमार है। बड़े, तुम्हें बैठने की तमीज राजकुमार लल्लू से सीखनी चाहिए। तुम्हारा है बड़े? तुम्हारा नहीं है। हमारा भी नहीं है। मेरे दांत इससे बड़े हैं। तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? राजकुमार लल्लू, तुम जाग गए? लल्लू, क्या ये तुम्हारा दांत है? नहीं। लगता है दांत का मालिक मिल गया। राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, देखो ये मेरा आगे का दांत है। और देखो ये मेरा नया दांत भी आ गया। राजकुमार लल्लू, फिक्र मत करो, हम सबके दांत टूटते हैं और फिर नए दांत आ जाते हैं। तुम्हारा भी दांत आ जाएगा, फिक्र मत करो। मुझे ये सब पता है, पर मैं अच्छा नहीं दिखता अपने दांत के बिना। समझ गया, मेरे साथ आओ। छोटे, तुम्हारा क्या इरादा है? रुको और देखो। मुझे भी एक दो। मुझे भी दो। राजकुमार लल्लू, देखो हम सबके भी एक एक दांत टूट गए हैं। शुक्रिया दोस्तों, तुम बहुत अच्छे हो। मेरा नसीब अच्छा है जो तुम मेरे साथ हो। हाँ?
लुका छिपी खेले। आओ चलो करो। ठीक है मेरे लिए रुको। मैं तुम्हें यहाँ छुपाता हूँ, इस तरह तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है से फिर मिलते हैं। मीठा है। बहुत यम्मी। हाय दोस्तों। हाय निकू। हे निकू, मेरे सेब में से खा लो। थैंक यू बड़े। अरे हाँ मेरे पास भी है। हे निकू तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये रहा देखो मिल गया। देखो दोस्तों वो सेब कितना गंदा दिख रहा है कि अंदर बाल उग आए हैं। मैं भूल गया था, एक दिन पहले मैंने इसे छुपाया था इसलिए ये सड़ गया है। मेरी मम्मी कहती है हमें सड़ा हुआ सेब नहीं खाना चाहिए। पर तुम्हें नहीं लगता ये सेब बालों के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं? हाँ सच में मैंने भी ऐसा सेब पहली बार देखा है। वो तो ठीक है पर इस पर बाल क्यों उगे हुए हैं? हे निकू हम मिस बैनर्जी से जाकर पूछे तो? बढ़िया आइडिया है, मिस बैनर्जी को सब कुछ पता है। चलो बड़े चलते हैं। मिस बैनर्जी देखिए इस सेब पर बाल आ गए। बच्चों सड़ा हुआ सेब तुम्हें बीमार कर सकता है, इसे बिल्कुल मत खाना। हम नहीं खाएंगे। मिस बैनर्जी हमें ये जानना है कि इस सेब पर बाल कैसे आ गए। तुम्हें कैसे पता कि ये बाल हैं? ये अच्छा सवाल है। मुझे पता है, हो सकता है सेब को ठंड लग रही हो इसलिए उसने गर्म रहने के लिए बाल उगा लिए हो। हो सकता है खाए जाने के डर से बाल उगा लिए होंगे। बाल इसका कवच होगा। सही है यही हो सकता है। पर बाल गर्म करने के लिए होते हैं। बड़े मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट करो और ये देखो कि सेब में बाल कैसे उगते हैं। हाँ ठीक है। तो बड़े क्या हम शुरू करें? क्या सेब तैयार है? ये तैयार है। बढ़िया। निकू हम इसे कहाँ रखेंगे? मंगू चलो निको छिपी खेलते हैं। उसे उस टेबल पे रख दो सूरज के नीचे। ठीक है। नहीं नहीं रुक जाओ। बढ़िया सूरज के नीचे। बड़े चलो चले। निकू ठहरो, क्या हमें देखते रहने की जरूरत नहीं? नहीं हमें नहीं देखना, हम दिन में दो बार देखेंगे इतना बहुत है। बड़े तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ओ, एक सेब। अरे नहीं छोटे नहीं, ये सेब हमारा एक्सपेरिमेंट है, सेब को मत खाना। ठीक है नहीं खाऊंगा। चलो मंगू हम खेलते हैं। हाँ ठीक है चलो चले। हे बड़े कुछ खेल खेलना चाहोगे? ठीक है। निकू ये सेब इतना सूख क्यों गया है? शायद हो सकता है गर्मी की वजह से। बहुत गर्मी है अब मैं समझा, हमने इसे सूरज के नीचे रखा जिससे इसके बाल उग गए। अच्छा पॉइंट है बड़े, तुम सही हो। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। आ जाओ। आखिरी बार मैंने इस सेब को इस डेस्क के नीचे रखा था। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? पक्का तो नहीं कह सकते पर करके देखते हैं। इतनी गंदी बदबू यहाँ कहाँ से रही है? राजकुमार लल्लू वहाँ देखो एक सड़ा हुआ सेब। ये सड़ा हुआ सेब कहाँ रखा? लल्लू राजकुमार लल्लू वो सेब हमारा एक्सपेरिमेंट है। इतनी
बंदूक मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देखो इतनी गंदी बदबू, तुम जाकर हाथ धो लो। बड़े दूसरा सेब लेके आओ, मैं अभी आता हूँ। ये क्या बदबू है? इस सेब के बाल क्यों नहीं है? हो सकता है हम कुछ भूल रहे हैं। हो सकता है यही बात हो। बड़े मुझे पता है हम क्या भूल रहे हैं। अरे नहीं नहीं कू, ये सेब एक्सपेरिमेंट के लिए है। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा हूँ। बड़े तुम दिखाओ। ठीक है। बढ़िया, इस बार ये काम करेगा। बड़े जल्दी आओ। आ रहा हूँ। देखो इसके बाल आ गए। वाह ये क्या कलर है? रुको मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लाया हूँ। ठीक है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वाह ये देखो तो इसे, ये तो बर्फ जैसा दिख रहा है। ये गजब का है, ये छोटे जंगल जैसा है। ये हमने क्या कर दिखाया? हमने सेब के बाल उगा दिए। चलो मिस बैनर्जी को जाकर ये खुशखबरी दें। सेब को संभाल कर पकड़ो बड़े। मिस बैनर्जी, मिस बैनर्जी, देखो हमने कर दिखाया। ये देखो। मुझे बताओ बच्चों, तुमने क्या एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, सबसे पहले हमने सेब को सूरज के नीचे रखा था बाल उगाने के लिए। हाँ वो सही है। और दूसरा सेब डेस्क के अंदर सड़ा और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, पर उसके बाल नहीं थे। ओके। और ये सेब जिसे हमने खाया है उसपे बाल उग गए और हमने उसे भी डेस्क के अंदर रख दिया। बहुत अच्छे, तो इससे तुमने सीखा कि सेब के बाल कैसे उगते हैं। लेकिन याद रहे बच्चों, सेब के अंदर कुछ ऐसा होता है जो दिखता नहीं पर बाल उग जाते हैं। कुछ तो जो हमने नहीं देखा, वो आखिर क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, हो सकता है नन्हे लोग और जानवर। वो छोटी चीज असल में फंगस होती है। फंगस? मिस बैनर्जी, फंगस क्या होता है? हाँ मिस बैनर्जी, क्या वो शर्मीले हैं जो सामने नहीं आते? दरअसल फंगस कीटाणु होते हैं। छोटे छोटे कीटाणुओं का एक समूह होता है जो हमारी आँखों से नहीं दिखता, लेकिन एप्पल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें नजर आएगा। सच में फंगस हर जगह होती है। एक बार ये अपना घर बना लें तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये हर जगह फैल जाती है। पर मिस बैनर्जी, सेब में ही क्यों फंगस आते हैं? वो इसलिए कि सेब का छिलका सुरक्षा करने के लिए होता है, लेकिन एक बार ये अंदर घुस जाए तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये पीली चीज क्या है? असल में बहुत सारी किस्म की फंगस होती हैं और कई अलग रंगों की। मोल्ड, फ्लोरा, मशरूम, फंगस हमेशा नमी वाली जगहों में उगती है। अगर वो सेब में घुस जाए तो हम देख सकते हैं सेब का रंग बदलने लगता है और सेब बिल्कुल जहरीला हो जाता है। कितनी अजीब सी दुनिया है जो हम देख नहीं सकते, ये बढ़ते जाती है। निकू, अगली बार अगर तुम अपना एप्पल ना खा पाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फंगस को उसे खाने मत देना।